हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल M क्लासेज पर। आज जो बच्चों आपका वीकली टेस्ट होने वाला है बायोलॉजी का, उसका आपको हम रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। इसीलिए बच्चों आप वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिए। साथ साथ बच्चों हमारे चैनल पर फिजिक्स और बाकी सब्जेक्टों की धाकड़ तैयारी करवाई जाने वाली है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ डिस्कशन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। और साथ साथ उसका सोल्यूशन PDF बच्चों आपको सब ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, आप सभी के सामने आ चुका है। आपसे कह रहा है अनुवंशिक या अभियांत्रिक में प्रयुक्त आणविक कैची है, यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपसे पूछ रहा है निम्न के लिए आवश्यक है, PCR के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका DNA संवर्धन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आपसे कह रहा है प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो याद रखिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, पॉलीमर्ज श्रृंखला अभिक्रिया के सही पद है, सही पद आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकुंडलन युग्मन प्रसार, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है अनुवांशिक अभियांत्रिकी में सबसे सामान्य जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे पूछ रहा है प्लाज्मिड को पहचाने, प्लाज्मिड को आपको पहचानना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, PBR322 आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, आपसे पूछ रहा है DNA के टुकड़े जोड़े जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन आपका ए चला जाएगा, लाइगेज। बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका सॉल्यूशन जो है बच्चों वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट आपसे क्या कह रहा है, परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी जीन के प्रवेशन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, DNA तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ट्रांसपोजोन आपका होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काटता है, क्या काटता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विरज्जु, चूंकि DNA ये काटता है। अब देखते हैं बच्चों हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विस्तार कीजिए, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है RFLP की। तो मैं आप सभी को फुल फॉर्म बता दूं, R का मतलब है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और बात की जाए F की बच्चों तो इसका हो जाएगा पैरा के मेंटल इसका होने वाला है, और बात की जाए यदि L का तो इसका हो जाएगा आपका लेंथ, क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। बात की जाए P की तो P का हो जाएगा पॉलीमोरफिज्म, क्या हो जाएगा पॉलीमोरफिज्म आपका होने वाला है, इनको आप ध्यान से कर लीजिएगा। देखते हैं हम फुल फॉर्म BT की फुल फॉर्म क्या है, BT की जो फुल फॉर्म है भाई वो है बैसिलिस, और जो T की फुल फॉर्म है वो है आपकी थियोरोनिजी जेनेंस, ये आपकी फुल फॉर्म होने वाली है। मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है वो देख सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप कर लीजिएगा। यदि आपको पूरा इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और वहां से हमें आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। आई होप कि आपको सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ कुछ देर बाद बच्चों, हम मैथ का आपको 12th क्लास का वीकली टेस्ट का सोल्यूशन डालने वाले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।